राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन धड़ल्ले से बढ़ता ही जा रहा है। कई मार पिटाई तो कहीं चेन स्नैचिंग और अंत में पुलिस लकीर पीटती रह जाती है। यहां तक कि सरकार के लाखों दावों के बावजूद भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं राजधानी की खौफनाक तस्वीरें जो प्रशासन पर सवाल उठाती है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। दिल्ली में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि इनकी बानगी सीसीटीवी में कैद हो गई। जरा गौर से देखिए सीसीटीवी वीडियो। मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही एक सीनियर सिटीजन के गले से दो बदमाशों ने गोल्ड की चैन तोड़ ली और मौके से भागने लगे। एक रेडी वाले ने इसका विरोध किया लेकिन वो वहां से भाग निकले। अब जरा दूसरी तस्वीरें देखिए, जहां बाइक सवार दोनों बदमाशों को लग रहा था कि काम हो गया, लेकिन सामने से आ रहे एक रेडी चालक ने उनकी बाइक के आगे अपनी सब्जी का रिक्शा अड़ा दिया। जब वो दोनों भिड़ गए तो एक बदमाश ने पिस्टल तान दी। मिली जानकारी के अनुसार इस हाथापाई के दौरान बदमाशों की पिस्टल वहीं गिर गई। गफलत में भाग रहे बदमाशों की बाइक आगे फिसल गई, जिसे छोड़कर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने जांच की तो बाइक भजनपुरा इलाके से चोरी की निकली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने लूट और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक गीता रानी नाम की पीड़िता परिवार के साथ दयानंद विहार में रहती है। वो सोमवार सुबह 7:45 अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली। पीछे से बाइक पर दो लड़के आए और पीछे वाले ने उनके गले से दो तोले की गोल्ड की चैन तोड़ दी। इसके बाद उन्हें धक्का देकर भागने लगे तो उन्होंने शोर मचा दिया। सामने से आ रही सब्जी बेचने वाले कुलदीप सिंह ने बदमाशों को रोकने के लिए अपना रिक्शा बाइक के आगे लगा दिया। इसके बाद बदमाशों को रोकने की पूरी कोशिश की तो पीछे बैठे बदमाश ने उस पर पिस्टल तान दी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें राजधानी दिल्ली के नरेला स्थित महाराजा हरिश्चंद्र अस्पताल की है, जहां एक बार फिर अस्पताल में इलाज कराने आए लोगों ने डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। मामला उस वक्त का है जब दोपहर के समय इलाज कराने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। आरोप है कि उसी समय एक महिला के साथ दो लड़के बिना लाइन के अस्पताल के अंदर पहुंच गए। अस्पताल के अंदर मौजूद डॉक्टरों ने जब इस बात के लिए उसको मना किया और लाइन से इलाज कराने के लिए कहा तो उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। शुरुआत में सिक्योरिटी गार्ड और इलाज कराने आए लोगों के बीच मारपीट हुई और जब बीच बचाव करने के लिए डॉक्टर आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई लेकिन तब तक हमलावर अस्पताल से फरार हो चुके थे। सर सुबह मैं यहाँ पर 9 बजे आया था, अपनी पर्ची बनवाई थी, लाइन में लगा था। लाइन में लगने के बाद मुझे लाइन में लगते लगते बज गए 12:30। होता क्या है, मेरा जब नंबर आने वाला था कोई 5वां 7वां नंबर था मेरा, तो पीछे से दो बंदे आए थे, मैं नाम दाम का कुछ नहीं जानता। दो बंदे आए थे, एक लेडी आई थी, वो विदाउट लाइन के लग रहे थे, उसमें अंदर जा रहे थे। वो गार्ड भैया थे, उन्होंने मना करा, उन्होंने नहीं माने, ज़बरदस्ती हाथापाई, उन्होंने धक्का मारा, हाथापाई हो गई। और फिर इसके बाद जब वो डॉक्टर साहब वो भी चले गए थे, फिर हम भी चले गए थे। हमें ये पता नहीं कौन था कैसे था, हमें इतनी यानी कि आप सुबह से लाइन में रहे उसके बाद दवाई नहीं मिली, आप क्या ज़्यादा तबीयत खराब हो गया? हाँ सर, 102 बुखार है फिलहाल में। तो अब दोबारा एडमिट होना पड़ा आपको? हाँ जी। डॉक्टर साहब क्या मामला था पूरा? आज तकरीबन सुबह 1 बजे की बात है, कुछ जो वहाँ पर पेशेंट लाइन में लगे हुए थे, भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्होंने लाइन तोड़ के आगे आने की कोशिश की, जिसमें हमारे गार्ड और एनओ थे, दो महिला गार्ड और एक एनओ, उन्होंने उनको समझाया परंतु उन्होंने नहीं माने, तो उनकी महिला गार्डों के साथ हाथापाई भी हुई है, जिसमें उन्हें कुछ चोटें भी आई हैं। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले कई बार डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई, जिसका खामियाजा स्ट्राइक के बाद मरीजों को भुगतना पड़ा। गनीमत रही कि इस मामले के बाद डॉक्टरों ने अस्पताल में कोई धरना नहीं किया, लेकिन जरूरत है कि लोगों की जिंदगी बचाने वाले के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। वहीं तीसरी तस्वीरें हैं दिल्ली के मदनगिर की, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक पिता को अपने बेटे रोहतास की मौत की खबर मिली, जो कि कुछ समय से अपनी बीवी पिंकी के परिवार के साथ किराए पर गाजियाबाद के विजयनगर में रह रहा था तथा ड्राइवर की जॉब करता था। गाजियाबाद की पुलिस का कहना है कि रोहतास ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली, लेकिन इस मामले में लड़के के पिता का कहना है कि इसको मारा गया है। डेड बॉडी को देखकर पता लग रहा है कि बॉडी 2 दिन पुरानी है और लड़के के पिता को बाद में खबर मिली कि आपका बेटा मर चुका है। मौके पर थाना अम्बेडकर नगर के SHO थाने की टीम के साथ पहुंचे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आप MLA अजय दत्त भी मौके पर मौजूद थे। एक लड़का रहता था, उसकी बॉडी आई है गाजियाबाद से, क्या है पूरा कहानी, आपको क्या जानकारी मिले? देखिए आज दोपहर को रोहतास
मौत हुई है, उसके परिवार के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे हमारे बेटे की मौत हो गई है और मौत का कारण बता रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। लेकिन वहाँ पर पुलिस ना तो उसका पोस्टमार्टम कर रही है और उसको ज़बरदस्ती जलाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने तुरंत गाज़ियाबाद के जो पुलिस अधिकारी थे उनसे बात की और उनको कहा कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और उसके बाद बॉडी इनको यहाँ दे दी जाए, क्योंकि यहीं का बेटा है, अगर उसका कुछ देह संस्कार होगा तो यहाँ पे होना है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये सुसाइड का मामला है, इसकी बॉडी इनके घर के अंदर लटकी हुई पाई गई है और ये सुसाइड का मामला है, हम इसको पोस्टमार्टम करा के भेज देंगे। तब तो दोबारा से फिर ये मेरे पास शाम को आई, इन्होंने कहा जी हमें पोस्टमार्टम पे शक है और दोबारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। मैं इसको 4 तारीख से फ़ोन कर रहा था, 4 तारीख को से फ़ोन स्विच ऑफ था, इसके बाद मैं इसको कॉल किया, स्विच ऑफ जा रहा था, मेरे पे 11:30 बजे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे इसने कर लिया है। मैं गया वहाँ पे, वहाँ जाके देखा कि वो हॉस्पिटल नहीं था, ऐसे ही बना हुआ था रूम सा और साथ में गंगा थी और शमशान घाट था। उन्होंने हॉस्पिटल में, थाने में गया, थाने वालों ने कहा आप अपने उसके पास जाओ जिसके पास केस है, उसके पास गए, वो बंदा थाने के अंदर बैठा था डॉक्टर के साथ पहले ही। तो आपको सूचना कैसे मिली? मुझे फ़ोन किया था मम्मी ने, ऐसी ऐसी बात हो गई है। विजय कुमार, सचिन बिरला, नीरज शर्मा संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए, यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।